हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ वो सभी ठीक होंगे अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, सॉरी क्लास 7 का ICQ चैप्टर नंबर 1, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, दिस प्लांट ग्रो इन वेट इन्वायरमेंट, या प्लांट वेट इन्वायरमेंट में ग्रो होता है, साथ ही साथ ये हाईली मॉडिफाइड क्या है, अंडरग्राउंड इसकी लीव्स होती हैं, और दे हैव सिलेंडर ट्यूब सॉलन इन द मिडिल टू अट्रैक्ट, और इनके पास सॉलन ट्यूब्स भी होते हैं मिडिल में जो अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैप एंड डाइजेस्ट माइक्रोफोना, और ये क्या करते हैं, जो छोटे छोटे आपके फौना पौधे होते हैं वो इनको ये खाते हैं। तो ये कौन सा प्लांट है? ये है आपका कॉर्क स्क्रू। क्या है? कॉर्क स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द लॉर्ड लॉन्गेस्ट वेनोमिनस स्नेक। वेनोमिनस स्नेक का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जहरीला सांप होता है। इट बाइट डिलीवर्स द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पैरालिसिस इंड्यूसिंग न्यूरोटॉक्सिन। देखिए, अगर ये सांप काट ले तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना? न्यूरोटॉक्सिन होते हैं इनके जहर में। द स्नेक वेनम इज सो स्ट्रांग, तो इसका जो जहर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये किसी भी एलिफेंट को भी अगर काट ले तो उसकी कुछ घंटे में मौत हो जाएगी, मतलब कि इसका जहर इतना ही खतरनाक होता है। तो ये कौन सा सांप है? तो ये है आपका किंग कोबरा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑन फ्राइडे रवि आफ्टर हैविंग ए कप ऑफ टी लेफ्ट हिज कॉफी मग अनवॉश्ड इन द ऑफिस। व्हेन ही सॉ मंडे ही फाउंड ही हैड सम ब्लैकिश ब्राउन कॉटनी स्टफ इन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मोस्ट लाइकली भी। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉफ़ी मान लीजिए आपने पिया और उसका कप आपने साफ नहीं किया, आपने रख दिया, फिर आप 2 दिन बाद उसको देखते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, स्टफ जम जाती है, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका राइजोपस। क्या होता है? राइजोपस। विच ऑफ इज नॉन फ्लावरिंग ट्री। नॉन फ्लावरिंग ट्री की मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें फ्लावर नहीं आता है? तो ये आपका फर्न। क्या है? फर्न। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मान्य वाइल विजिटिंग ए गार्डन ऑब्जर्व ए यूनिक प्लांट विथ अर्न शेप लीव दैट आर कवर्ड विथ अ फ्लैप। सी ऑब्जर्व द प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी मोस्ट लाइकली। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है और एक घड़े के जैसा दिखता है, और इसके अंदर ये इंसेक्ट को खाता है। तो इंसेक्ट को ये को खाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ऐसे प्लांट मेघालय स्टेट में इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, मेघालय में। तो ये है आपका पिचर प्लांट, ठीक है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप, वाटर व्हील और ये सब जो भी है, ये सब आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओपियम इज द प्लांट प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम पॉपी। तो ओपियम पॉपी जो होता है, ठीक है ना, ये एक नशीला पदार्थ होता है ओपियम। तो ओपियम को हम किससे मिलता है ये? तो ये मिलता है सीड पॉट से। कहाँ से मिलता है? सीड पॉट से। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, सिरिंग्स जो होता है ये वोकल आर्गन होता है। तो ये किसका वोकल आर्गन होता है? ये बेस ऑफ ट्रैकिया में होता है। इट इज़ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सिरिंग। तो सिरिंग्स जो प्रेजेंट होता है ये बर्ड्स में होता है, ठीक है ना, सिरिंग्स। और हमारे जो ह्यूमन होते हैं उनके पास क्या होता है? लिरिंग्स होता है, लिरिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट द ड्रिंकिंग वाटर इफ आर प्रेजेंट इन द लार्ज कंसेंट्रेशन दे प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन दैट कैन बी पैरालिसिस आइडेंटिफाई देम। आपको ये बताना है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ड्रिंकिंग वाटर में रहता है, साथ ही साथ ये इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होने पर ये न्यूरोटॉक्सिन जनरेट करता है जिससे आपको पैरालिसिस हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वह है आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए, सैल्मोनेला जो लिखा हुआ है ना, इससे क्या होता है? बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग जो आपको होता है ये इसी की वजह से होता है। फिर है लेगियोनेला, तो ये क्या है आपका? ये आपका है पॉन्टियाक फीवर, ठीक है ना, पॉन्टियाक फीवर इससे होता है। और यहाँ पे जो लिखा है सिप्टो क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये पैरासाइट है जो पाचन तंत्र में संक्रमण करता है, यानी कि हमारे फूड डाइजेशन में संक्रमण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस शार्क इज रियली सीन इन द ह्यूमन वॉर डिस्कवर्ड इन 1976। इट इज़ फाउंड इन डीप ट्रॉपिकल वाटर एंड बिलीव दैट इट स्विम्स विथ हिज माउथ ओपन। नेम द शार्क। देखिए, ये जो शार्क है ये ह्यूमन ने 1976 में किया, और ये डीप पानी में रहती है, ठीक है ना। इसका माउथ जो होता है, जब ये स्विम करती है तो इसका माउथ ओपन रहता है। ये कौन है? तो ये आपका मेगा माउथ।
इस शेयर का क्या नाम है, मेगामाउंट, ठीक है ना। देखिए जो माँ को लिखा है, माँ को भी एक शार्क होती है, हैमर हेड, ये भी एक क्या होती है, शार्क होती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इनका जो दांत होता है ना मेगा माउथ पे, बहुत ही तेज होता है और तेज तैरने के साथ साथ ही लंबा होता, बहुत लंबी भी होती है, ठीक है ना। फिर है देखिए यहाँ पे हैमर हेड, इसका सर हैमर यानी हथौड़ी के जैसा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दिस डेजर्ट प्लांट फाउंड इन साउदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट कैन सर्वाइव द हार्श डेजर्ट क्लाइमेट बाई स्टेइंग डॉर्मेंट। वेन इट रेन्स इट ग्रोज न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। ऑन सीड मेच्योरिटी इट सीड्स एंड लीव्स एंड बिकम डॉर्मेंट अगेन। आइडेंटिफाई द प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में मिलता है, ठीक है, डेजर्ट में। तो इसका नाम है ऑक्टीलियो, क्या नाम है, ऑक्टीलियो। तो ऑक्टीलियो जो है ये किस डेजर्ट में मिलता है, तो ये मिलता है कालाराडो डेजर्ट में, कालाराडो डेजर्ट, ठीक है, कालाराडो डेजर्ट कहाँ पे है, यूएसए में। अगला है विच एनिमल है द लार्जेस्ट ब्रेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेन किस एनिमल का है ये आपको बताना है। तो ये है आपका स्पर्म व्हेल, इसका जो वेट होता है वो लगभग 7 kg से लेके 9 kg के बीच में होता है, ठीक है ना, 9 kg के बीच में होता है, ठीक है ना, इसका ब्रेन, ठीक है। 12 नंबर, सैफरन इन द स्पाइस, सैफरन का मतलब होता है केसर, केसर एक तरीके मसाले की तरह यूज़ किया जाता है। और द प्लांट ऑफ सैफरन क्रोकस, इट गिव्स फूड ए गोल्डन येलो कलर, इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, सबसे महंगा जो आपका मसाला है वो सैफरन ही है। तो सैफरन सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और पूरी दुनिया में पूछा जाए कहाँ पर मिलता है, तो ईरान में मिलता है, ईरान में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कौन सा पार्ट होता है, तो ये है आपका ड्राई स्टिग्मा, क्या है, ड्राई स्टिग्मा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डच शुंड ग्रेट डेन डोबरमैन, तो ये दोनों क्या हैं, तो ये हैं आपके जर्मन ब्रीड्स के, क्या है ये, डॉग हैं, ठीक है। 14 नंबर, इट इज द फास्ट रनिंग ग्राउंड कूको दैट हैज़ लॉन्ग टेल एंड क्रैश्ड, इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, इट मेक्स ए स्लो एंड डिसेंडिंग डव लाइक कू एंड रैपिड वोकलाइज चैटरिंग साउंड विथ इट्स बीक, वाट इज द नेम ऑफ बर्ड, ये कौन सी बर्ड है, ठीक है। तो ये है आपका रोड रनर, इस बर्ड का नाम है रोड रनर, और ये आपका बहुत तेज़ी से जो दौड़ती है, और ये कहाँ पर मिलती है, मैक्सिको में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्री ऑफ लाइफ बहरीन ग्रोज इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट एंड इज द ओनली ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ वास्ट एंड बैरन डेजर्ट, इट इज़ प्रॉबली बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रूट्स दैट हैव फाउंड सम अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, वाट काइंड ऑफ ट्री, ट्री इज ट्री ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेस्क्यूट, क्या हो जाएगा, मेस्क्यूट, ठीक है ना। तो इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं और ये बहुत ही नीचे तक जाती हैं, ठीक है ना। और इस प्लांट को हम कहते हैं वाट काइंड ऑफ ट्री, ट्री ऑफ लाइफ भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे बैरन आइलैंड है वहाँ पे भी ये ग्रो करता है ये प्लांट, ठीक है। तो इसकी क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो देखिए ये लिखा है मैन ईटर ट्रॉपिकल फिश वाइट शार्क, तो ये आपका ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फिश कौन सी है, बेस्किंग शार्क, ये भी ठीक है। और सब सी नंबर क्या लिखा है, स्मॉल टूथ वेल सिमिलर डॉल्फिन्स वीक लाइक जॉ हम्प बैक वेल, तो ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। जो हम्प वेल वेल्स होती हैं इनके पास क्या होता है, दांत ही नहीं होते हैं, तो ये डू नॉट हैव टीथ, डू नॉट हैव टीथ, ठीक है ना, इनके पास टीथ नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17, क्वेश्चन ये कह रहा है आई एम नोन द एक्रोबैट ऑफ लिजार्ड वर्ल्ड, ठीक है। वेन आई एम अटैक्ड माई टेल विच राइड्स ऑन द ग्राउंड अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ अटैकर्स वाई एम स्केप हु आई एम, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्रोबैट का मतलब कलाबाजी होती है, लिजार्ड यानी कि छिपकली जैसा है, और ये जब अटैक करता है अपनी पूँछ से भी, ठीक है, और ये अपने पूँछ को पटकता भी है,
अट्रैक्ट करता है ये अटैकर्स को, तो ये कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 18 नंबर, वाटर हैकिंथ विच इज़ हैज अ फ्री फ्लोटिंग वीड एंड इंसेक्ट इंडिया वाटर वेज चोकिंग ऑफ प्लांट्स फिश एंड एनिमल ग्रोथ इधर नेटिव। देखिए जो वाटर हैकिंथ होता है ना, ये फ्लोट करता रहता है, ये एक तरीके का खरपतवार है। साथ ही साथ ये क्या करता है कि प्लांट को और जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, तालाब में या नदियों में, तो इनको ये, इनकी ग्रोथ को ये रोकता है। तो ये है क्या, तो ना इसके नेटिव प्लेस क्या है, यानी कि शुरू कहाँ से हो, तो ये हुआ साउथ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। लिखा है हाइट इज द नंबर ऑफ सीलिया फाउंड इन द माउथ, तो ये पहला गलत है, सीलिया नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉग यूजेस इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉग जो होते हैं उनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, इससे ये लोग अपने इंसेक्ट को पकड़ते हैं, लॉन्ग भी होती है। फिर है मॉस्किटो सक द ब्लड द एनिमल द टेंटिकल, नहीं टेंटिकल से ये नहीं करते हैं, किससे कहते हैं, प्रोबोसिस से करते हैं, PROBASCIS। तो ये जो एलिमेंट है इनके बॉडी में, इससे ये जो ब्लड होता है ये क्या करते हैं, सक करते हैं। तो इसमें सही क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर टू इनका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर, दिस एनिमल इज कंपेरेटिवली ब्लाइंड बट कैन पिक बोथ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वाई रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इट्स इंटायर बॉडी, व्हाट इज द एनिमल। देखिए एक ऐसा एनिमल है जो कम्प्लीटली अंधा होता है, जो देख नहीं सकता है, लेकिन इसके बॉडी में केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं पूरी बॉडी में, ये कौन है, तो ये है ओल्म, इसका नाम है ओल्म, ठीक है। ये एम्फीवियन है, क्या है, एम्फीवियन, एम्फीवियन का मतलब ऐसा जानवर जो आपका जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, गीला मॉन्स्टर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फोर। गीला मॉन्स्टर क्या है, ये एक तरीके का लिजार्ड है जो बहुत ही जहरीली आपकी छिपकली होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द पॉइजन ग्लैंड सीक्रेट डेडली पॉइजन, फ्रॉक्स आर लोकेटेड देयर टंग, तो पहला गलत है, फ्रॉक्स के पास ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। फिर है ए हॉन्ग हॉगनोज स्नैक प्रिटेंड एज डेड ट्रिक टू प्रेडेटर, मेस होने का नाटक करता है ये स्नैक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर, सील्स हैव थिक डिपोजिशन फैट कॉल्ड ब्लबर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, बिल्कुल ठीक है। जो सील्स होती हैं उनके बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है जिसे ब्लबर बोलते हैं, और ये इनको ठंडी से बचाती है, बिल्कुल ठीक है। कॉकरोच हैज़ फ्लैटेंड बॉडी शेप एंड इट क्रॉल बिटवीन द क्रेविस एंड स्पेस इजली, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो पहला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है और सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो भी नॉइस है उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। पहला, टॉलेस्ट पेरिनियल ग्रास, तो टॉलेस्ट पेरिनियल ग्रास क्या है, ऑप्शन नंबर डी बम्बू। एवरग्रीन ट्रीज में क्या है, स्प्राउस, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर है फ्लेम ट्री, फ्लेम ट्री हम किसे कहते हैं, गुलमोहर को कहते हैं। और जनरल शर्मन किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं सिकोया को, तो इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये हो जाएगा सी। तो DABC, DABC ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए द मेडिकल टर्म थंब इज पॉलेक्स, ट्वेंटी थ्री नंबर, देखिए क्या लिखा है, द मेडिकल टर्म फॉर थंब इज पोलेक्स, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है, थंब को क्या है, तो पोलेक्स। द बेबिन्स की रिफ्लेक्स अकस इन्फेंट इन्वॉल्विंग हैड, तो देखिए ये जो बेबसिन की रिफ्लेक्स है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं इनके नर्वस सिस्टम से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे चौंक जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये इनके हैंड से नहीं रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है आपका, ये इनका रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से। फिर है द स्पेस बिटवीन द आईब्रोज इज कॉल्ड ग्लैबरोस, तो ग्लैबरोस नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लैबेला, ठीक है ना। आईब्रोज के बीच में जो जगह है उसे हम बोलते हैं ग्लैबेला, GLA।
BELLA ग्लैबेला, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ओनली। अगला है रीसफेल द लेटर द नेम ऑफ द एनिमल विच ग्रुप इन कालाहारी। देखिए कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में रहता है, वो कौन सा है और उसका जो पॉस्चर है वो मतलब उठ के खड़े होकर देखता है अपने दोनों पैर पे, तो ये कौन है, ये आपका है मीर कैट, MEER मीर KAT कैट, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। और साथ ही साथ ये झुंड में रहते हैं, बहुत सारे एक साथ रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए पहला रोहन, देयर वॉज मोर देन 1000 वेराइटी ऑफ मैंगोस इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है, इंडिया में ही लगभग 1000 प्रजाति पाई जाती है आम की, बिल्कुल ठीक है। अगला है प्रीति क्या कह रही है, एवरी ईयर द इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल हेल्ड इन नागपुर, क्या हमेशा नागपुर में होता है, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग जगहों पर होता है। राज, मैंगो फ्रूट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए बी सी ई एंड एंड फ्लेवोनाइड्स, तो बिल्कुल ठीक है, राज की बात भी सही है, मैंगो में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सिमरन, ओनली 50 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो आर एक्सिबिटेड इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल विजिटर टू विजिट एंड टेस्ट, तो बिल्कुल भी गलत है, बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ पर रखी जाती हैं, 50 वेराइटीज़ नहीं रखी जाती हैं। तो यहाँ पर बातें सही हैं किसकी, रोहन और राज की, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट में गलत कौन है, प्रीति और सिमरन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति और सिमरन। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।